नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 11 विषयों पर स्वीकृति दी गई है। दो योजनाओं पर स्वीकृति दी है, मैंने उसकी जानकारी देना चाहूँगा। सर्वप्रथम बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में जो 5 एकड़ निःशुल्क भूमि उनको मिली थी एक्सपेंशन के लिए, उसमें प्रशासनिक से अकादमिक ब्लॉक, बालिका छात्रावास, ऑडिटोरियम का निर्माण, परिसर का विकास, फुटबॉल मैदान, 4 दीवारी, कुल 49,72,78,000 रुपये प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। तो ये 7 निश्चय की योजना है, और जो वर्तमान में आपको पता होगा कि संचालित है अभी भी बख्तियारपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें अतिरिक्त जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अकादमिक ब्लॉक, बालिका छात्रावास, ऑडिटोरियम निर्माण, परिसर विकास, फुटबॉल मैदान और 4 दीवारी की स्वीकृति दी है। तो ये एक योजना जिसकी स्वीकृति दी गई है। दूसरी योजना जो स्वीकृति दी गई है वह आपको जानकारी होगा कि दरभंगा में राज्य सरकार ने एम्स के लिए, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए भूमि बहादुरपुर अंचल में 1वीं शोभन बाईपास सड़क में विभिन्न खेसरा में 189.17 एकड़ में भूखंड में आवश्यकता अनुसार मिट्टी भराई का सैंक्शन किया। मिट्टी भराई और उसका बाउंड्री और उसका आधारभूत संरचना, इसके लिए 3,09,29,59,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। यह जो ज़मीन है वो सड़क से थोड़ी नीची है, जिस कारण से इसको मिट्टी भराई और बाउंड्री वॉल इसको करेंगे। तत्पश्चात यहाँ पर ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दरभंगा जो प्रस्तावित है उसका निर्माण किया जाएगा। ये कुल एकड़ आपका है 189.17 एकड़ है। तो ये ज़मीन मैं बता देता हूँ कहाँ पे है। बहादुरपुर अंचल, 1वीं शोभन बाईपास सड़क, मौजा बलिया, और थाना नंबर 120/2। ठीक है, तो ये दो योजनाएं हैं जो स्वीकृति दी गई हैं। गृह विभाग का एक प्रस्ताव था जिसमें बिहार पुलिस के पीटीसी प्रशिक्षित और 3 सिपाही रैंक के पुलिस पदाधिकारी को अन्य राज्य की तर्ज पर अनुसंधान की शक्तियां प्राधिकृत करने के संबंध में, आपकी जानकारी है कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के आलोक में प्रमोशन की कार्रवाई अभी बाधित है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। प्रमोशन के अभाव में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनकी कमी है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो पीटीसी प्रशिक्षक 3 सिपाही हैं जो प्रमोशन के कगार पे हैं उनको अनुसंधान की शक्तियां दी जाए, केस में अनुसंधान की शक्तियां दी जाए, यह निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। तो अब जो कांस्टेबल हैं जो पीटीसी उत्तीर्ण हैं सिपाही के रैंक में हैं, ये अन्य राज्यों में भी यही व्यवस्था है क्योंकि वहाँ पे भी यही रिजर्वेशन प्रमोशन बाधित है, उन्होंने भी यही किया है। तो अब बिहार पीटीसी प्रशिक्षित 3 सिपाही रैंक के पुलिस पदाधिकारी अन्य राज्य की तर्ज पर अनुसंधान की शक्तियाँ प्राधिकृत होगी। तो ये लोग होंगे लेस देन एएसआई? हाँ, लेस देन एएसआई, जस्ट बिलो एएसआई। इन्वेस्टिगेटिंग पावर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रस्ताव था जिसमें तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम तृतीय चरण के अंतर्गत, इसमें कितने होंगे कुछ आइडिया है सर अभी तक पीटीसी वाले ऑल ओवर मतलब बिहार में, इनको कि दे विल गेट इन्वेस्टिगेटिव राइट मतलब पावर? इसमें वर्तमान में राज्य पुलिस में 2,832 सिपाही हैं जो पीटीसी प्रशिक्षित हैं, 2,832। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम तृतीय चरण के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग संकाय के अंतर्गत नियोजित सहायक प्राध्यापकों का दिनांक 1/4/2023 से 31/3/2024 तक 1 वर्ष तक एक्सटेंशन हुआ, तथा भौतिक रसायन गणित एवं अंग्रेजी संकाय के अंतर्गत नियोजित सहायक प्राध्यापकों को 1/4/2023 से 30/9/2023 6 माह तक एक्सटेंशन दिया है। अभी वर्तमान में पद रिक्त हैं और बहाली की प्रक्रिया चल रही है, तो बहाली की प्रक्रिया तक ये एक्सटेंशन का प्रस्ताव है। गृह विभाग का एक प्रस्ताव है कि राज्य में हो रहे यौन शोषण के अंतर्गत आपराधिक घटनाओं, मृतक की पहचान स्थापित करने, बच्चों की चोरी, अदला बदली एवं पितृत्व मातृत्व के मामले की जांच के उद्देश्य से
बिहार राज्य में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर भागलपुर में डीएनए शाखा का एक एक यूनिट स्थापित करने के लिए राजपत्रित अराजपत्रित कोटि के कुल 14 पदों के सृजन की स्वीकृति है। तो डीएनए की जांच दो स्थानों पर होगी, जो मुजफ्फरपुर और भागलपुर में, उसके लिए पदों का सृजन हुआ है। राज्य सरकार ने दानवीर भामाशाह की जयंती जो 29 अप्रैल को होगी, 29 अप्रैल को पुनाईचक पार्क में उनके प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह में के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। तो राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा 29 अप्रैल को भामाशाह की जयंती। बिहार में एक नया संवर्ग प्रोटोकॉल ऑफिसर्स का संवर्ग क्रिएट किया गया है। ये प्रोटोकॉल ड्यूटी में पटना एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट और गया एयरपोर्ट में रहेंगे। कुल 15 पदाधिकारी होंगे, जिसमें प्रोटोकॉल मैनेजर के रूप में एक रहेंगे, सीनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर के रूप में 4 रहेंगे और प्रोटोकॉल ऑफिसर के रूप में 10 रहेंगे। तो ये सभी डेप्यूटेशन के आधार पर हैं। तो 15 लोगों का यह निर्णय लिया गया कि एक नया काडर बनेगा और ये प्रोटोकॉल ड्यूटी में रहेंगे। जो भी हमारे अतिथि हैं जो एयरपोर्ट में आते हैं जाते हैं और कोऑर्डिनेशन के लिए, ये तीनों एयरपोर्ट में अवस्थित रहेंगे। एक प्रोटोकॉल मैनेजर होगा, 15 पद होंगे, तो 15 छोटा सा ही काडर है। और तीन ही एयरपोर्ट इनको संभालना है, पटना एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट है और गया एयरपोर्ट है। तो बहुत सारे हमारे गेस्ट आते हैं जिनको समस्या रहती है, ये परमानेंट काडर रहेगा, इनका ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्रोटोकॉल में होगा और ये जो हमारे अतिथि हैं उनको रिसीव करेंगे और उनको डिपार्चर के लिए सहयोग करेंगे। काडर का नाम क्या होगा सर? प्रोटोकॉल काडर, इसका काडर का नाम मैं बता, बिहार प्रोटोकॉल संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 ये है। और प्रोटोकॉल मैनेजर, सीनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर एंड प्रोटोकॉल ऑफिसर। जमींदारी बॉन्ड्स को जो इशू हुए थे, जो निर्गत हुए थे 1972 और 1974 के बीच में, जमींदारी बॉन्ड 40 वर्षों के लिए निर्गत किए गए थे। इसमें बंद पत्र के बॉन्ड के रूप में 50 रुपये का बॉन्ड थे, 100 रुपये के बॉन्ड थे, 200 रुपये के बॉन्ड थे, 500 रुपये के बॉन्ड थे, 1000 रुपये के बॉन्ड थे, 5000 और 10000 रुपये के बॉन्ड थे। तो ये विभिन्न बॉन्ड जो जमींदारी आंदोलन हुआ तो सभी जो भूधारी थे उनको बॉन्ड निर्गत किए थे राज्य सरकार ने। और ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बॉन्ड रखती थी और मेंटेन करती थी और पेमेंट भी वहीं से होता था। हाल के दिनों में, वर्षों में ये देखा गया कि कोई बॉन्ड का क्लेमेंट नहीं आया, जो बचे हुए बॉन्ड हैं। और इस बॉन्ड को मेंटेन करने के लिए सरकार को 46 लाख रुपए सालाना RBI को देना भी पड़ता है। अब यह निर्णय लिया गया कि सरकार इस बॉन्ड सभी को RBI से लेकर अपने स्ट्रांग रूम में रखेगी और अपने स्ट्रांग रूम में जब जब किसी को बॉन्ड अपना प्रस्तुत करके भुगतान चाहेगी तो सरकार उसको भुगतान कर देगी। तो RBI के स्थान पर राज्य सरकार, इसमें 4,63,152 कुल बंद पत्र है। बताया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 1988, आपको पता होगा कि जो मैं संशोधन और बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992, इसमें आवश्यक संशोधन 1988 धारा 165 पठित धारा 176, इसकी नियमावली जो 2023 है उसका नया नियमावली बनाया गया है। इसमें पहले आपको जानकारी होगा कि बीच में हम लोगों ने एक ट्रिब्यूनल बनाया था और राज्य सरकार पहले भुगतान करती थी और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करती थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रक्रिया निर्धारित कर दी है और भारत सरकार ने भी प्रक्रिया निर्धारित कर दी है कि ट्रिब्यूनल के माध्यम से ही जो डेथ और अन्य क्लेम्स हैं, इंजरी क्लेम्स हैं, वो भुगतान होंगे। और यह भी उस आदेश में निर्गत है कि यदि राज्य सरकार भुगतान करेगी तो इंश्योरेंस कंपनी उतना कम भुगतान करेगी, तो यह तो राज्य सरकार का घाटा हुआ। राज्य सरकार ने अभी क्या किया है कि सभी जिलों में अब ट्रिब्यूनल का गठन होगा, जो भी क्लेमेंट हैं डेथ के या इंजरी के, जो भी इंश्योरेंस क्लेम है वहाँ पर ट्रिब्यूनल में दर्ज करेंगे। जिला स्तर पर एक न्यायिक पदाधिकारी की अध्यक्षता में है, ये रिटायर्ड न्यायिक पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक न्यायाधिकरण है, तो ये वहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है वो निर्णय लेगी और भुगतान हो सकेगा। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है कि अब जो
ट्रिब्यूनल हैं जो डेथ और एक्सीडेंट के ट्रिब्यूनल हैं वो अब जिला स्तर पर रहेंगे और क्लेम वहाँ पे फाइल होगा और वहीं पे डिस्पोजल होगा। तो न्यायिक ये प्राधिकरण जो न्यायाधिकरण है उसका गठन के की मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। अभी एक ही था, पूरे राज्य में एक था और बड़ी कठिनाई होती थी और होता ये था कि राज्य सरकार पेमेंट करती थी और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम होता था। लेकिन हुआ ये कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक केस चला, भारत सरकार ने भी के भी पार्ट था और सभी राज्य थे, तो सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय हुआ कि राज्य सरकार अगर भुगतान करेगी तो इंश्योरेंस कंपनी उतना कम भुगतान करेगी और क्लेम जो होगा वो केवल न्यायाधिकरण जो जो ट्रिब्यूनल है वही भुगतान करेगा। तो इसको सहूलियत देने के लिए हर जिला में अब एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। अब तो ट्रिब्यूनल देगा ना, अगर राज्य सरकार देगी तो फिर राज्य फिर इंश्योरेंस कंपनी का फायदा हो गया ना, इंश्योरेंस कंपनी इतना कम भुगतान करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग का एक प्रस्ताव था श्री अशोक कुमार दो तत्कालीन सब जज ACGM मधुबनी जो वर्तमान में निलंबित हैं, मुख्यालय मधेपुरा है, उनको गंभीर कदाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है। अशोक कुमार दो हैं तत्कालीन सब जज ACGM मधुबनी, उनको बर्खास्त किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आपको याद होगा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव है जिसमें बिहार अभ्यंतरण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 का को नोटिफाई किया गया है। अब उसी के अंतर्गत जो स्टैट्यूट्स जो हैं उसका नोटिफिकेशन अब कैबिनेट से अप्रूव हुआ है। अब ये फुल फ्लेज कार्य करेगी और बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 की धारा 29 की धारा 1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय का परिनियम जिसको स्टैट्यूट्स कहते हैं वो नोटिफाई करने के लिए मंत्रिपरिषद ने, तो यही एजेंडा है जो आज।